हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 एडमिशन 2023-24 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन गाइड के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लास 11 का पूरा क्राइटेरिया पता चल जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएमयू क्लास 11 साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो कोर्स डिटेल की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों को मिला के ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें कि आपके 5 स्कूल आते हैं। एचएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये बॉयज़ के लिए है, जिसमें कि 650 आपकी सीट्स हैं। ये सिर्फ मेल सीट हैं, फीमेल के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं है। दूसरा है आपका एसटीएस स्कूल, जिसमें 55 सीट्स हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। फिर थर्ड आता है आपका एएमयू सिटी स्कूल, जिसमें कि आपकी 50 सीट हैं, ये भी मेल के लिए हैं, इसमें फीमेल के लिए भी कोई सीट नहीं है। 2 स्कूल हैं आपके फीमेल के लिए, एक है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये गर्ल्स के लिए है, जिसमें कि 360 सीट यानी 360 सीट हैं केवल फीमेल के लिए। फिर आता है आपका एएमयू गर्ल्स स्कूल, जिसमें कि आपकी 120 यानी कि 120 सीट्स हैं फीमेल के लिए, मेल के लिए इन दोनों स्कूल में कोई सीट नहीं है। तो नेक्स्ट आता है आपका कि क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आपको क्लास 10th में कितने मार्क्स चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। तो क्लास 10th के जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें आपको इनका टोटल मिलाकर 45% मार्क्स होने चाहिए। इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज आपकी 1 जुलाई 2023 को 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी 1 जुलाई को 19 साल एज या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी एज 1 जुलाई 2023 को 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का प्रोसेस है आपका सीधा, आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आपका सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट पेपर डिटेल के बारे में, यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होता है इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे साइंस आएगा 50 मार्क्स का, और आपका 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा, और 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज आएगा, और 10 मार्क्स का इंडो इस्लामिक कल्चर आएगा। इसको मिला के टोटल हो जाता है 100, यानी 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और जो स्टूडेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनका भी टेस्ट सेम ही रहेगा, यानी क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का जो टेस्ट होने वाला है वो सेम रहेगा। तो अब बात करते हैं हम क्लास 11 कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। तो कोर्स तो आपको पता ही है, 2 साल का होता है ये, क्लास 11 और क्लास 12। इसमें आपके 4 स्कूल रहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए। एसएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ वाला, जिसमें आपकी 110 सीट रहती हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। दूसरा है आपका एसटीएस स्कूल, जिसमें कि आपकी 50 सीट रहती हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। थर्ड रहता है आपका एएमयू सिटी स्कूल, यहाँ पे आपकी इसमें मेल के लिए 50 सीट रहती हैं, फीमेल के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। गर्ल्स के लिए कॉमर्स का सिर्फ 1 स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, जिसमें कि 60 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए। अब इसके हम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात करते हैं, यानी कि क्लास 10th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए। तो क्लास 10th में आपके 45 टोटल मार्क्स होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको कोई मेन सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया नहीं है, जो कि साइंस वालों के लिए था। यहाँ पे कोई भी आपका मेन सब्जेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिटेशन की बात करें तो आपकी एज 1 जुलाई 2023 को 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉमर्स वालों का भी सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन टेस्ट के थ्रू, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सोशल स्टडीज़ के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंडो इस्लामिक कल्चर के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। सबका टोटल मिला के हो जाता है 100। तो अब हम बात करते हैं क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। तो कोर्स की डिटेल, 2 साल का होता है क्लास 11 12। इसमें आपके 5 स्कूल हैं,
ऐसा सीनियर स्कूल जिसमें आपकी 55 सीट है मेल के लिए, फीमेल के लिए इसमें कोई सीट नहीं है आर्ट्स के लिए। एसटीएस स्कूल है दूसरा आपका जिसमें कि 55 सीट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए। थर्ड है आपका एएमयू सिटी स्कूल जिसमें कि 50 सीट हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए। और दो स्कूल हैं आपके ह्यूमैनिटीज़ के लिए फीमेल के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जिसमें कि आपकी 60 सीट्स हैं और एएमयू गर्ल्स स्कूल जिसमें कि आपकी 80 सीट्स हैं। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 45% मार्क्स चाहिए टोटल। इसमें भी आपका कोई मेन सब्जेक्ट वाला सिस्टम नहीं है, मेन सब्जेक्ट वाला सिस्टम सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए है। कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए कोई मेन सब्जेक्ट वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपको टोटल आपका मार्क्स जो होना चाहिए क्लास टेंथ में वो 45% होना चाहिए। अगर इसके हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी 1 जुलाई 2023 को 19 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू रहता है। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आपको सोशल स्टडीज़ आएगा 60 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टेस्ट सेंटर के बारे में। तो टेस्ट सेंटर आपका कहाँ कहाँ रहता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रहता है आपका, लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहता है, मेरठ में रहता है, बरेली में रहता है, श्रीनगर में रहता है, कोलकाता में रहता है, पटना में रहता है और किशनगंज बिहार में रहता है। तो ये आपके टेस्ट सेंटर हैं, यहाँ पे एएमयू क्लास 11 का टेस्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी जाती है। तो यहाँ पे एएमयू क्लास 11 एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस जाती है वो 700 रुपीज़ यानी कि 700 रुपये जाती है। अगर आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 700 रुपीज़ चार्ज लगेगा, लास्ट डेट के बाद आपको लेट फीस लगेगा 300 रुपीज़। तो आप कोशिश करें जब फॉर्म आपका आ जाए तो लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर लें जिससे कि आपको कोई भी लेट फी नहीं देना पड़े। अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो आपको एएमयू के सभी स्कूल में तो हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती। गर्ल्स के लिए जो दो स्कूल हैं उनमें आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाती है गर्ल्स को, लेकिन बॉयज़ के लिए आपको सिर्फ एक स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। तो लास्ट में हम बात करते हैं आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पे उसको वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।